नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। किसी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई भी अप्रिय घटना घटित होगी तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देने की बात कही गई। इसके साथ ही अपने नजदीकी थाना प्रभारी के द्वारा क्षेत्र वासियों को समझाइश दी गई कि आगामी आने वाले त्योहारों में भी शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना न रखें, आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ सभी त्योहारों को मनाएं। शिवपुरी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर तैयार रहती है, जिसको लेकर मुख्य चौराहे गांधी चौक से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, जो आज आपके द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, क्या कुछ कहेंगे आप? ये नवदुर्गा उत्सव चल रहा है, दूसरा दशहरा भी है, अन्य धार्मिक संप्रदाय अन्य धार्मिक आयोजन भी होना है यहाँ पे, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो कि शिवपुरी और हमारे सभी थाना प्रभारियों के साथ एक फ्लैग मार्च निकाला है। ये फ्लैग मार्च हम प्रतिदिन निकालेंगे और जनता में संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक आप त्यौहारों को मनाएं और पुलिस आप लोगों के साथ है और जो भी आयोजक तत्व उनको कठोर कार्रवाई। क्या उद्देश्य था सर फ्लैग मार्च निकालने का? जी, क्या उद्देश्य था सर फ्लैग मार्च? उद्देश्य यही कि धार्मिक जो हमारे त्यौहारों का भी लगातार आयोजन है उसमें पुलिस बसें दिखे, लोगों में भय न हो, लोग आसानी से अपना त्यौहार मना सके, इस प्रकार से हम फ्लैग मार्च और प्रतिदिन हम लोग ये फ्लैग मार्च निकालते हैं। कल भी माननीय पुलिस अधीक्षक और डीएम महोदय के नेतृत्व में निकाला गया था, आज भी निकाला गया, हमेशा निकाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।